माता जी, दोनों हाथ माँ के सामने, सेंटर हृदय में माँ की छवि को देखेंगे। बीचों बीच हृदय में माँ को, श्री माता जी को बुलाएंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। सेंटर हृदय में श्री माता जी के प्रेम को अनुभव करेंगे। माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे सेंटर हृदय पे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट स्वाधिष्ठान पे, संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान पे। श्री माता जी, आप ही कर्ता हैं, आप ही कर्विता हैं, हम सभी के अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। श्री माता जी, हमारे दाहिने स्वाधिष्ठान में समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए।
शक्ति मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री चित शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित राइट स्वाधिष्ठान पे ही रखेंगे, चित्त को वहां पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 times। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट नाभि पे, राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। शिव माता जी कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। शिव माता जी कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। अपने चित्त को भी राइट स्वाधिष्ठान से फिर राइट नाभि पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सुषुम्ना नाड़ी से उठाते हुए सेंटर नाभि, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सहस्त्रार। शिव माता जी हम आपको सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। सत्य को खोजने वाले आप सभी और समझाया जाता है, लेकिन वास्तविक में सत्य शाश्वत जैसा है वैसा ही है। उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती, किंतु सत्य क्या है? सत्य है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत, ये ब्रह्मांड, इसका नियंता परमात्मा है और उसकी शक्ति जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं वो सारे जीवित कार्य को करती है। और दूसरा सत्य यह है कि आप जो मनुष्य हैं वो शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है। ये तो बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने माना और बहुतों ने नहीं भी माना। लेकिन कहा जाता है उत्क्रांति में हम लोग पहले चिंपांजी थे, कोई कहते कि मछलियां थे और कोई कहते हैं कि सांप थे। पता नहीं किस योनि से कौन इंसान चलाया,
वो तो भूतकाल की बात हो गई, ये तो हम जानते नहीं कि हम किस योनि से आए हुए हैं। लेकिन किस योनि में जाना है ये जान लेना चाहिए। किसी भी योनि से आप आए हैं और आज मनुष्य की योनि में आप बैठे, मनुष्य के रूप में कुछ देवता भी हैं और कुछ राक्षस भी हैं, किंतु जो मनुष्य योनि आपने आज प्राप्त की है इसका लक्ष्य क्या, इसका अर्थ क्या है, किस लिए हम मनुष्य हुए, क्या जरूरत थी परमात्मा को हमें मनुष्य बनाने की या विधि को हमें मनुष्य बनाने की, और जैसा भी समझे हम मनुष्य क्यों हुए, एक बार हमें नजर करना चाहिए अपनी ओर, देखना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों हुए और हम ही लोग क्यों मनुष्य हुए। दुनिया में इतने सांप हैं वैसे की वैसे, और इतने चिंपैंजी हैं और बंदर हैं, शेर हैं, सब तरह के जानवर विराजमान हैं, फिर हम ही लोग कुछ चुने हुए लोग इंसान क्यों बन गए। जब इधर नजर जाती है तो ये सोचना चाहिए कि हम में से जो उत्थान में आ जाएं, जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, ऐसे भी कुछ ही लोग होंगे, लेकिन ये हमारा उत्थान है। आज दिल्ली शहर में कितने लोग हैं, लेकिन इसकी खोज कितने लोगों को है। सो जिस तरह बहुत से लोग मनुष्य हो गए लेकिन बाकी के उसी स्थिति में रह गए, उसी पशु स्थिति में रह गए, इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने पर भी उनसे कहीं कहीं अधिक मानव ही रह जाए। ये बड़ी समस्या मेरे लिए खास, इस चीज को मैं किसी तरह से भी आत्मसात नहीं कर पाती हूं, और हमेशा यही सोचा कि हर मनुष्य को किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसे भी उसके विचार हो, सब इस आत्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करना अत्यावश्यक है, और ये बड़ी भारी आपके सामने आज एक चेतावनी सी है कि कितने लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जिसका वर्णन अनेक साधु संतों ने, अवतरणों ने किया होगा। अगर ऐसा समय आज आ गया है, ये ऐसी घड़ी आ गई है, इस घड़ी में क्या हमें इसे चूकना चाहिए? जब इसकी शक्ति कुंडलिनी हमारे अंदर सबके है और जिसके जागरण मात्र से ही आप उस दशा में पहुंच सकते हैं, और तत्क्षण उसी क्षण आप पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि बंदर से इंसान होने में न जाने हजारों वर्ष लग गए होंगे, हजारों वर्ष में यह घटना घटित होगी
लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़े से ही समय में कितने लोग सहयोग में अनायास उतर आए। सहज कमाल है ये, परमात्मा की कृपा, परम चैतन्य आज कृत हो गया है। और कहा जाता है कि अब कृत योग चला हुआ है, कृत युग है, कल युग खत्म हो रहा है, सत्य युग की ओर हम जा रहे हैं। बीच में ये कृत युग कार्यान्वित है, जबकि ये परम चैतन्य स्वयं ही कार्यान्वित है। और इसलिए हजारों लोग सहज में, आश्चर्य की बात, हजारों हठात पार हो जाते हैं। खासकर अपना देश, जिसे कि मैं योग भूमि कहती हूं, एक महान देश है। इस देश में जन्म लेना भी एक महान पुण्य से ही होता है। शायद आप इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि ऊपरी तरह से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये देश माने सबसे गया बीता। इसके कण कण में चैतन्य कार्यान्वित है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, यह भूमि अत्यंत पवित्र भूमि। ये सब होते हुए भी आश्चर्य की बात है, जबकि इतने संत साधुओं ने हजारों वर्ष तक इस योग भूमि में मेहनत की और यही कहा कि तुम अपने को जानो। घर तक अगर तुमने अपने को जाना नहीं तो आपने कुछ पाया नहीं। अपने को ही जानना, कहीं पर भी किसी भी गुरु ने कोई बात की हो तो यही कहा कि आप अपने को जानो। हाँ, उन गुरुओं की बात छोड़िए जो बेकार के लोग हैं, लेकिन जो असल है उपदेश वो यही कि आप अपने को जानिए। इसका विश्लेषण इस तरह से सोचिए, आज ही हम बता रहे थे कि आप अपने को अगर शीशे में देखें तो आप हैं और आपका प्रतिबिंब है, और आप जो देखने वाले हैं और जो दृश्य है, इसकी जो क्रिया है, ये तीसरी स्थिति है। इन तीन दायरों में, तीन डायमेंशन में हम लोग रहते हैं। और ये तीनों डायमेंशन में घूमते रहते हैं। या तो हम देख रहे हैं और देखने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कर आप खुद ही शीशा हो जाए, आप ही स्वयं के शीशा हो जाए, आपका स्वयं ही प्रतिबिंब आप ही के अंदर दिखाई दे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाए। क्योंकि जब आपने अपने प्रतिबिंब को देखा तो आपने अपने को जान लिया। अभी तक आप अपने को कुछ जानते नहीं। कहने को है मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा मेरा, पर ये मैं कौन, मैं कौन हूं, इसे आपने जाना नहीं। जिस दिन आप इसे जान जाइएगा तो एकदम ही इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि देखते ही बनता है। अब यहां बहुत से विदेशी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कम 20% लोग जो थे उन पे ड्रग का अधिकार था बुरी तरह से, और एक दिन पार हुए और दूसरे दिन छोड़ के तैयार। आज मैं निजामुद्दीन साहब के मकबरे पे गई थी, वहां बहुत से मुसलमान भी थे, तो मैंने पूछा वहां कि भाई तुम में से कौन शराब नहीं पीता है?
सबने चुप्पी लगा ली। कहने को मुसलमान है, शराब सबकी। वजह क्या? वजह यह कि आप ने अपने को जाना नहीं कि आप जो हैं वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। और जिस दिन ये हो जाता है, बड़े मशहूर शराबी मैंने देखे दूसरे दिन से पता नहीं कैसे एकदम बदल जाते, क्योंकि मैं क्या हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ कल्पना ही नहीं, मुझे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है, क्योंकि मैं कितना गौरवपूर्ण हूं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे कितने सुंदरता से संजो कर बनाया है, इस बात का जब अपने को पता ही नहीं है तो उसकी हम कदर ही नहीं करते। इस मनुष्य जीवन की हमें कदर ही नहीं है कि इसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने अपने को जाना ही नहीं। जब आप अपने को जानिएगा तो एक अजीब अंदर की शान आपके सामने आए। ऐसे शानदार लोग गलत काम नहीं करते, उनको बताना नहीं पड़ता, उनको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप ही अपनी शान में खड़े हो जाते। और फिर उनके सामने वो छोटी छिछली उथली बातें नगण्य है बिल्कुल, उसे वो देखते भी नहीं, उस ओर उनकी नजर भी नहीं जाती, और उन्हें इन सब चीजों से घिन से आने लग जाती। घिनौनी हो जाती है जो चीजें जिसमें वो एक बार पूरी तरह से डूब रहा था। ये कमाल है, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, अपने से अनभिज्ञ हैं। जिस सौंदर्य में हम ढले हुए हैं और जिस महात्म्य से हमें परमात्मा ने रंगाया हुआ है, इसको न जानने के कारण हम अपने को मिट्टी से भी बदतर समझते हैं, और इसीलिए हम अपने शरीर के साथ इतनी छलना करते हैं, अपने मन के साथ इतना बैर धरते हैं, और अपने बुद्धि को भी हम ताक पे रख देते हैं। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली शक्ति, इन सब को आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रकाशित करने वाली शक्ति हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी है। अब इस कुंडलिनी के बारे में सबने कहा है, कबीर दास जी ने कहा है, नानक साहब ने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है, हर जगह इस कुंडलिनी का उल्लेख सा है, और कहीं कहीं काफी विशद रूप से बताया गया, लेकिन लोगों ने इसको समझने की जगह बदलने की कोशिश की, और उस कोशिश में सबसे ज्यादा तो मैं सोचती हूं कि जो बुद्धिस्ट थे जिन्होंने बुद्ध को भुला करके दूसरा मार्ग अवलंबित किया था, वो तांत्रिक बन गए और उन्होंने बहुत ही गलत तरह की इसको चालना दी और लोग भटक गए। इसके लिए आपको उनसे सीखना चाहिए कि जो पहुंचे हुए लोग वो क्या करते। फिर ऐसी ऐसी किताबें छापी गई कि कुंडलिनी के जागरण से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, और ये परेशानी हो जाती है। आज तक इतने सालों से सहयोग का कार्य करते हुए हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई तकलीफ होती हो या परेशानी होती। उल्टे जिसने जिसने सहयोग
में अपना स्थान बनाया है वो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां। सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य भी, जो कि विशेष कोई पढ़ा लिखा नहीं, देहात का रहना हो या कोई रास्ते पे चलता हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति हो, सबके लिए कुंडलिनी का कार्य हो सकता है। उसमें जात पात धर्म कुछ नहीं। हाँ, अगर आप धार्मिक हैं, आप वाकई में धर्म के मतलब समझे हैं, अपने जीवन में आपने धार्मिकता रखी, आप नेक हैं, तो कुंडलिनी का जागरण और भी आसान हो जाता। और नहीं भी हो, कैसा भी इंसान हो, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो सहज में आए कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सबसे तो कमाल मुझे रशिया की लगती है, जहां भगवान का नाम लेना भी पहले जमाने में एक गुनाह समझा जाता। आप आश्चर्य करेंगे कि एक एक प्रोग्राम में 16,000 से कभी लोग कम नहीं आए, और हर आदमी जो है वो पार हो जाता है। तो दोष कहां आ गया इस योग भूमि में, जहां पर कि इतने बड़े बड़े साधु संत सब हो गए। सो यहां पर किस चीज का दोष आ गया है कि रशिया जैसे यहां लोग हमें नहीं मिले। अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां तो पहुंचते ही साथ हजारों की तादाद में खड़े थे सब, उनमें हमें क्या फर्क है। हम लोग तो इतना जानते हैं धर्म के बारे में, और बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हर समय हम जाते हैं। और ये होते हुए भी लोगों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि हमें आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। इसकी एक तो वजह मुझे लगती है कि हमने धर्मों को समझा नहीं, धर्म को समझा नहीं, उनके अंदर धर्म है ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, धर्म नाम की चीज जो होती वो जानते नहीं है, किंतु वो धार्मिक है, वो गलत काम नहीं करते, लेकिन वो कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान मात्र है। और इंसान को किस तरह से रहना चाहिए ये वो जानते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं और या हम ईसाई हैं या सिख हैं, कोई भी धर्म में हैं, तो बस हो गया, अब तो परमात्मा हमारे गले में हार पहनाएगा, क्योंकि हम ये हैं। माने जैसे कोई हमने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने सर पे लिख लिया, भाई ठीक है हम हैं, जैसे परमात्मा के दरवाजे में जाएंगे तो कहा आओ भाई तुम हमारे आदमी। और एक से पूछो दूसरे के बारे में तो बताएगा कि अरे 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 ये इतने खराब लोग, दूसरे से पूछे तो बताएगा वो इतने खराब लोग। तो पूरी समय यही हम लोग कर रहे हैं, इसकी खराबी निकाल, वो कहे उसकी खराबी निकाल, और खराबी देखते देखते हम खुद ही खराब हुए चले जा रहे हैं। ये उन लोगों के परमात्मा की कृपा से उनमें ये संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सभी रशियन थे मात्र, सब इस इंसान थे। अब इस कदर बेकार के हमारे अंदर न जाने कितने झगड़े, और किस कदर हम लोग अलग अलग हो गए, और उसमें ही हम बड़ा समाधान मानते हैं कि वाह 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 वा। हम माने कितने अच्छा,
अच्छाई होगी, लेकिन अंधापन, जो आंख पे अंधापन चढ़ा है कि बाकी सब बुरे और हम बड़े अच्छे, इस अंधेपन से ही हमारे देश में आत्म साक्षात्कार कठिन हो गया। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, यह हमें मिलना चाहिए, इसके लिए नम्रता हो कि हमें यह चीज मिलनी चाहिए, यह मन से इच्छा हो, यह शुद्ध इच्छा हो, तो क्यों ना हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं, हमें क्यों नहीं होने वाला, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार में। आप कैसे इंसान हैं, ये पहली बात, और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे, उन्होंने यही कहा है, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया? सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो छोड़ करके हम आपसे बढ़िया और वो आपसे बढ़िया, ये करने से मैं देखती हूं कि बड़ा अंतर आ गया है हम लोगों में और उन रशियन लोगों में। जो एक बार सहयोगी हो गए तो जम गए, बस कहना नहीं पड़ता। दूसरी बात कहना पड़ती है बात कि जैसे ही सहयोग में आए, आज ही वहां सवेरे हुआ कि भाई ये बीमारियां ठीक हुई। सहयोग से होती है बीमारी ठीक, क्योंकि जो आपकी मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी है, वो जब जागृत होती है तो उससे सारे चक्र साफ हो जाते हैं और उसके कारण ही आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कैंसर वैंसर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही ये बात पता होती है तो एक नहीं दस और लोगों को लेकर के आ गए, मेरी माता जी इनको ठीक करें, इनकी बीमारी ठीक करें, एजेंसी ले लेते फौरन लोग। अपने ऐसा ही है ना, अच्छा तो आपके भाई कमिश्नर है? अब हाँ है, चलिए हमारा ये काम करा दीजिए। फौरन दिमाग में ये बात आएगी हिंदुस्तानियों के, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जितने भी अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, सबके पहले लिस्ट बन जाएगी कि चलो माता जी को लगाओ इसमें। हम बात कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हो जाइए, आप अपने को देखिए, आप पहले डॉक्टर हो जाइए और फिर को सबको आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सबको ठीक करके करना क्या है? अरे भाई, जिस दीप में प्रकाश आने ही नहीं वाला, उसको ठीक करके करोगे भी क्या? भगवान भी सोचते हैं कि ये तो बेकार के हैं दीप, इनको काहे को ठीक करना। लेकिन आपको ये लगा रहता है कि चलो इनके कराए, ये सहयोग से नहीं होने वाला। इससे आपको किसी प्रकार से भी कोई भी लाभ नहीं होने वाला। हाँ, दो चार लोग ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कि उससे आपको लोग मानने लग जाए, ये हो जाए वो जाए, पर उससे आपकी प्रगति नहीं हो सकती, आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हमारे अंदर अनेक कुसंस्कार भरे हुए हैं, वो जोर मारते हैं, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जैसे
किसी झूठे गुरु के यहां जा रहे हैं। अब माना कि वो 420 है, किसी तरह से हाथ घुमा के वो आपको सोने की चीज कोई देता है, पता हो गया, सबने कह दिया कि वो 420, पता हो गया, पेपर में भी आ गया, सब दूर हो गया, तो भी उन्हीं के शरणागत चले। क्यों भाई? अरे भाई इतने साल से कर रहे हैं, अब कैसे छोड़ेंगे। जैसे कोई शराब पीते हैं ना, उसी तरह लोग गुरु के पीछे लगे रहते। अब समझ में खा गया कि भाई झूठे गुरु के पीछे मत जाओ। तो वहां हम सहज भी कर लेते हैं और गुरु को भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि एक पैर मगर के मुंह में डालो और एक ना वोट पे रखो और कहो कि हमें पार ले जाओ, आपके साथ वो मगर भी चलाएगा। ये हमारे अंदर दूसरी प्रवृत्ति कि जिस चीज को चिपके हुए हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ना है। यहां तक कि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, अगर आपको ऊपर आना है तो आपको उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा, जो कि अच्छी सीढ़ी है, जैसे धर्मातीत होना कहता है, धर्म से परे उठना। धर्म से परे उठने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को छोड़ते हैं, पर धर्म आपके अंदर इतना भिन जाता है कि आप अधर्म करते ही नहीं, ऐसा वो अपने अंदर भिन जाता है। आपको याद रखना नहीं पड़ता, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये धर्म है या अधर्म है, या किसी पंडित को जाके पूछना नहीं पड़ता भाई ये धर्म है कि नहीं, आप जानते हैं धर्म क्या है। दूसरे कालातीत होना, इतने आसानी से ये लोग हो जाते हैं, मेरा आश्चर्य लगता है कि जो हाथ हर समय हाथ में घड़ी बांधे रहते हैं वो कालातीत हो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। अभी कितना बज रहा है? हाँ, तो ये चाय पीने का वक्त है, इस वक्त चाय मिलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, नहीं मिलेगी तो सिर फुटबल हो जाएगा। औरतों का भी यही हाल है और सबका यही हाल है कि इस समय से ये काम होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमारे शरीर को इतनी आदतें लग गई हैं कि वो उसी वक्त होना चाहिए, वही समय में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हम खत्म। खासकर आदमी लोग तो घड़ी के गुलामी हो गए हिंदुस्तान में, मुझे लगता है घड़ी की गुलामी करते करते अब ये हालत हो गई है कि वो अपने रहे नहीं। तो मनुष्य काल से परे चला जाए, काल उसके चरण छूता है, जिस वक्त वो जहां खड़ा हो जाए वही काल है। ये दशा आप सबकी बिल्कुल होने वाली है, आ जाएगी, लेकिन ऐसी ऐसी हमारे अंदर संस्कारों से भरी हुई चीजें। एक छोटी सी बात है कि सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता चला दी, इसके बड़े अनुभव आते हैं, खासकर आपके दिल्ली शहर में तो औरतें बड़ी संतोषी माता को पूछती हैं और वो पार नहीं होती, क्योंकि संतोषी करके कोई माता ही नहीं है। अरे जो स्वयं संतोष है वो संतोषी कैसे होगी? अब सिनेमा वालों ने चला दी तो हो गई संतोषी माता। अज्ञान की भी हमारे यहां कभी परिसीमा हो जाती कि ये सिनेमा वाले क्या देवी बना सकते हैं क्या? ये चीज इसी प्रकार अनेक तरह की अजीब अजीब चीजें, इसका उपास करो, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन उपास करें, जिस दिन जन्म होता है तो आप क्या सूतक कर रहे हैं क्या? उस दिन काहे को उपास करने का? भगवान के नाम पे तो उपास करना ही नहीं चाहिए, वो क्या चाहते आप उपास करें? अब किसी से कह रहे उपास करने की जरूरत है? अरे माँ मैं इतने साल से उपास कर रही हूं, काहे को करे भाई? अगर किसी को नाराज करना हो खासकर माँ को तो उपास करो। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें हमारे अंदर भरी है, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हो जाए। अब ये धर्म का उपकार क्या अनुपकार कहूं मैं कि जिसके कारण लोग पारी नहीं होते। तरह तरह की अजीब सजीब बातें हमारे अंदर घुस पड़ी। जब हम इस हालत में हैं अभी, उसी वक्त विदेश से अब उनका भी मारा आ रहा है, वो भी अपने कपड़े शपड़े लेकर के पहुंच रहे हैं यहां पर, क्योंकि वहां बिकते नहीं है,
वहां रिसेशन आ गया तो मेजर साहब आए थे बेचने के लिए यहाँ कि तुम बेवकूफ हिंदुस्तानी तुम लोग खरीदो, अब उनके कपड़े पहनो उनके जैसे हो जाओ, फिर जाओ डिस्को में वहां शराब पियो, ये करो वो करो, वाह 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 वाह, बहुत हम लोग मॉडर्न होने जा रहे हैं। सो इधर से ना निकले तो उधर चले, अगर माँ बाप ये सब धंधे करते हैं तो बच्चे डिस्को में जाते, और दूसरों से कोई चीज लेने, फॉरेन की चीज लेने में हम लोग सोचते हैं बड़ी बात। साहब मैं फॉरेन में बहुत साल रही हूं और घूमी हूं, मुझे तो वहां सिवाय कागज के सिवाय और तो कोई चीज दिखाई नहीं दी जो अपने से अच्छी बनाते हैं। सच्ची बात, वहां से लेने क्या चीज है, नायलॉन लेंगे कि कागज लेंगे आप, वहां से कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? ठीक है एक रेडियो ले लिया समझ लो, टेलीविजन एक बार ले लिया, फिर उसके बाद फॉरेन की चीज अपने को इतनी अच्छी क्यों लगती है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। एक दिन ऐसी बात थी कि हमारे पति के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा प्रेजेंट ले आओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो मैं खादी भंडार में गई, वहां हाथी दांत का एक बड़ा सुंदर हितोपदेश श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ सहित बना हुआ था, वो मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद मैंने सोचा अब इस पे लपेटे क्या, तो वहां पर कुछ अजीब सजीब पुट्ठे की चीजें थी, उनका भाई इसका ये डब्बा है, मैंने कहा ये डब्बा तो चलेगा नहीं, वो तो जरा अंग्रेजियत वाले साहब है। तो मैं भटकी, बहुत भटकी कि अच्छा कागज मिल जाए तो कहीं कागज अच्छा मिला जाए, मैंने कहा अब क्या करें। फिर जैसा भी मिला वो कागज लपेट करके मैंने उन्हें दिया, कागज देख के साहब चौंके, हमारे साहब भी चौंके कि ये क्या कागज। मैंने कहा भाई देखो कागज तुम खोल के देखो, ये हिंदुस्तान है अच्छा कागज नहीं बनता। जैसे ही खोला उनकी आंखें निकल आई, मैंने कहा ये मेरा भारतवर्ष है, यहाँ एक से एक बढ़िया चीज है, लेकिन ये फालतू की चीज हम लोग बनाते नहीं अच्छी। अब वो तो छोड़िए, अब उनकी संस्कृति हम लेने लगे। इनकी संस्कृति क्या है, सत्यानाश हो रहा है उनका, ये भी समझ लीजिए उनका सत्यानाश हो रहा है, उनकी कोई फैमिली सिस्टम नहीं रह गई। हम भी उनसे सीख रहे हैं, उनके सिनेमा देखेंगे मियां बीवी झगड़ेंगे और कुछ नहीं। आश्चर्य की बात है कि इंग्लिश भाषा में कोई सा भी कोई सी भी ऐसी नॉवेल नहीं है, कादंबरी नहीं है कि जिसमें पति पत्नी का प्रेम दिखाया हो, वो शादी से पहले ही दिखाते उसके बाद कहते कुछ नहीं, एक भी किताब नहीं। क्या आप विश्वास करते हैं इस इंग्लिश भाषा पर, जो कि हमारी कुटुंब व्यवस्था को ही ठोस पहुंचाए, उसी को ठिकाने लगा दे। ऐसे संस्कृति के आप मुरीद हैं, दूसरे ये के और भी संस्कृतियां हमारे अंदर गलत सलत आ गई, जिससे मर्द लोग बहुत ज्यादती करते हैं औरतों पे। अब औरतें अमेरिकन अगर हो जाए तो आदमियों का भी ठिकाना हो जाएगा, सब टंगे नजर आएंगे। तो इसकी तरफ भी हमारी रुझान क्यों है, मेरी समझ में आ, जो हमारे देश की संस्कृति है बहुत ऊंची संस्कृति, उसको आप हिंदू कहिए कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में किसी भी धर्म का आदमी होगा यहां उस संस्कृति को मानता है, उसका भी हमारे ऊपर एक आघात चला आ रहा है। अजीब सजीब कपड़े, अभी मैं रास्ते में देख रही थी लड़कियां अजीब सजीब कपड़े पहने घूम रही, आदमी जैसे कपड़े औरतों ने पहने, औरतों जैसे कपड़े आदमियों ने पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा था आदमी कौन है औरत कौन। और माँ बाप कुछ मना नहीं करते, कुछ कहते नहीं, कुछ उनके और ध्यान ही नहीं। इस तरह के लोग सच में नहीं उतर सकते। आपको आश्चर्य होगा सबसे कम
सच में लोग अमेरिका के हैं सबसे कम। उसकी वजह ऊट पटांग लोग हैं, उनके अंदर संस्कृति कहां से आए। अभी अभी तो वो बेचारे 200 वर्ष पूर्व एक देश बने, लेकिन हम तो अनादि हैं। हमारे यहां क्या नहीं हुआ, सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था, करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सब ने इसकी बात करी, सहज समाधि लागो नानक साहब ने कह दी। कबीर ने कहा ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी ने, कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में, वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए। इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए, लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहां कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहां पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे, इसी उम्मीद में यहां आते हैं और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूं यही बात, हिंदुस्तान को अगर किसी चीज में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पीढ़ जैसे बढ़ गई है, उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है। इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिर जाएंगे, और गिर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मूल अपने भारतवर्ष में, आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें क्या है, मेरे पास है क्या। हमारे पास इतनी महान शक्ति है, ज्ञान है, आप उसमें उतरिए और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है वो कोई कभी विशेष चीज, और आप कोई विशेष है, उस विशेषता को समझो और अपनी इज्जत करें, अपनी और नजर करें, इसे प्राप्त करें, और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, लोगों से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सामान तैयार कर लिया हमने,
लेकिन कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भए, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल रहे हैं। इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव, जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना, अनुभव ही बातचीत बातचीत ही रहता है। शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जो है वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न सुनिए सिर्फ, लेकिन इसे आप देखिए और जानिए और समझिए। मेरे लिए इससे बढ़के और कोई सुख की चीज नहीं। आप देखते हो मेरे हजारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं बेटियां हैं। एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग, सारी शक्तियां आप पर प्रस्फुटित हो, आपसे बने और दुनिया देखे, इससे ज्यादा और एक माँ क्या चाहती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाए। होने के बाद हम देखते हैं कि बस फिर मस्ती में आ गए, बस अपने को सोचते हैं हम पार हो गए, हम सहयोगी हो गए। लेकिन मैं ये कहती हूं कि सिर्फ पार होने से ही आप सहयोगी नहीं होते। हम लोग 17-18 साल की उम्र में गांधी जी ने जब ललकारा तो हम सब लोगों ने सब कुछ त्याग करके स्कूल कॉलेज छोड़ करके और गांधी जी के संग्राम में बहुत मेहनत की। पुलिस ने मारा पीटा, बर्फ पे लिटाया, बिजली के शॉक्स दिए, सब कुछ किया, पर उस वक्त स्वतंत्रता के लिए सब लड़े और ये कार्य। अब वो स्वतंत्रता का जो हाल हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल अब आपको स्व का तंत्र जानना है, स्व माने आत्मा और उसका तंत्र जानना है, और ये नया आंदोलन स्वतंत्रता का चला। इसमें सिर्फ आप ये कहें कि मां हम पार हो गए और हम अपने घर में बैठ करके सहयोग करते हैं, सुख चलेगा ना। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको इसमें पूरी तरह से शरीक होना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, कमिटमेंट होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज कहां से कहां पहुंच गए, ये आज की मांग है। उस वक्त स्वतंत्रता में जो लड़े थे, जिन्होंने इतने बलिदान किए थे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम लोगों ने शायद कार्य किया हो और वो अपने को बहुत स्वतंत्र समझने लग गए। लेकिन सहयोग में जब तक आप स्व का तंत्र पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, जब तक आप अपने को इसमें पूरी तरह से कमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरी तरह से उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बीवी बच्चे छोड़ने नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समय जरूर आपको देना, और वो थोड़ा सा समय देने से ही आप इसे प्राप्त हो पाएंगे। आज मैंने आपसे कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा ही बताया, आप इस पर पढ़ लीजिएगा, और पहले पार हो जाए, पार होना जरूरी। जैसे कि इतने यहां प्रकाश हो रहा है, इतने दीप आप देख रहे हैं, एक स्विच जलाते ही है प्रकाशित हो जाते। लेकिन आप करते हैं कि माँ पहले ये बताओ कि बिजली कहां से आई और यहां दिल्ली में कहां से आई और यहां इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कैसे आई, तो आपको भी सर दर्द होगा और मुझे भी। इससे अच्छा ये कि प्रकाश पहले ले लीजिए, बाकी की बात होती रहे। पर इसके लिए सिर्फ शुद्ध इच्छा मन में चाहिए, शुद्ध इच्छा की ही शक्ति कुंडलिनी, बाकी सारी इच्छाएं जो है तृप्त होने पर भी तृप्ति नहीं आती। इसलिए एक ही मन में इच्छा होनी चाहिए
कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, पर ये इच्छा आपके अंदर है तो आज आप सबके सब पार हो जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इस तरह से मेरी ओर सब लोग आकर प्लीज पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस। आंखें खुली रखें, यहां कोई मेस्मरिज्म नहीं है, लेकिन आप आंखें खुली रखें तो अच्छा है। अब एक चीज देखिए कि आपके हाथ में कुछ ठंडी ठंडी या गर्म ऐसी हवा आ रही है। आर यू फीलिंग एनी कूल ब्रीज इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स प्लीज। यही चैतन्य है, यही परम चैतन्य, इसी को रितंबर आप प्रज्ञा कहा गया है, इसी को बाइबल में ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहा गया है। अब आप हमारी ओर राइट हैंड करके और लेफ्ट हैंड से अपने सर के ऊपर देखें, ऊपर अदर ऊपर की ठंडी हवा आ रही है। राइट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड, मैं इसलिए राइट कह रही हूं इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, राइट हैंड मेरी ओर करें और लेफ्ट हैंड को सर पे ऐसे देखें, लेफ्ट हैंड से सर में से ठंडी ठंडी हवा आई, थोड़ी किसी किसी गर्म भी आ सकती है और थोड़ी देर में सबकी ठंडी हो जाए, और गर्म आ रही है तो सबको माफ कर दीजिए बस। अच्छा अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ और अपने राइट हैंड को सर पे रख। अब देखिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आप अपने मन में पूछिए क्या ये परम चैतन्य है। प्लीज आस्क इन योर हार्ट मदर, इज दिस द ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव। पूछिए कि मां क्या ये परम चैतन्य है। अब एक बार फिर राइट हैंड मेरी ओर करिए और लेफ्ट हैंड सब पे रख के पूछिए, हाथ पीछे लेंगे कि लोगों के हाथ पे या सर ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। All those who have felt cool breeze, their hands are out of their quaternary bone area, please raise both your hands. ये है दिल्ली, आप सबको मेरा रागा दुर्गा, प्लीज पुट योर अटेंशन ऑन हार्ट। आई थिंक आई डोंट हैव टू से समथिंग अबाउट रागा दुर्गा, द नेम इज इनफ इटसेल्फ, दुर्गा। Raga for the mother, which comes from your heart. Raga Durga.
Thank you.